आज हम लोग करेंगे आईडी एड रिव्यू HTML में। तो मैं अपने एडिटर में हूँ और ये मैं अभी अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ नया, और इस फाइल का नाम मैं id.html लिख दूंगा। मेरा फाइल क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पे मैं शॉर्टकट से HTML आ गया है। अभी पहले मैं ब्राउजर पे अपना फाइल ओपन कर लेता हूँ। मेरा फाइल ब्राउजर पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे तो अभी हम लोग आईडी करेंगे HTML में। आईडी क्लास जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पहले मैं एक डिव बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं एक H1 बनाता हूँ, और H1 के अंदर मैं अभी स्टूडेंट लिख देता हूँ। ये स्टूडेंट लिख दिया मैंने। और अभी जैसे कि यहाँ पे मैं एक, अगर हम लोग को कोई स्टाइल करना है तो हम लोग डायरेक्ट स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे और जो हम लोग को स्टाइल करना है वो लिख देंगे। जैसे कि अगर मैं को कलर चेंज करना है, कलर लिख देंगे। कलर मैं अभी ग्रीन करता हूँ। और फिर बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बैकग्राउंड कलर लिखेंगे। बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू कर दूंगा। और अभी मेरे को इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो मैं फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर दूंगा। इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है तो मैं ये कर दूंगा। तो इतना करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ये मैसी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग ने यहाँ पे, अगर और हम लोग को लिखना होता, जैसे कि और पैडिंग देनी होती, उसका पोजीशन बदलना होता, तो वो भी हम कर सकते थे। लेकिन ये बहुत गंदा दिखता क्योंकि एक एक लाइन में इतना फिट अच्छे से नहीं दिखता। तो हम लोग इसीलिए आईडी यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं आईडी करता हूँ। तो आईडी हम लोग उसका आईडी देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट ही लिख देता हूँ। ये स्टूडेंट आ गया। अभी स्टाइल क्रिएट, हम लोग स्टाइल ऊपर बना लेंगे। और अभी यहाँ पे मेरे को उसका बदलना है तो मैं शिफ्ट करके 3 दबाऊंगा, मतलब हैशटैग आएगा और ये दबा दूंगा। हैशटैग के यहाँ पे हम लोग को फिर आईडी लिखना होगा, जो हम लोग का आईडी है। ये हम लोग का आईडी है तो ये हम लोग ने ऐसे लिख दिया। अभी ये आईडी के लिए हम लोग हैशटैग यूज़ करेंगे। क्लास के लिए क्लास होता तो हम लोग डॉट यूज़ करते, लेकिन आईडी है तो हम लोग हैशटैग यूज़ करेंगे। और आईडी बार बार रिपीट नहीं होती। जैसे क्लास रिपीट हो सकता है बार बार एक ही फाइल में, लेकिन वो आईडी, जैसे कि उसका ना आईडी मतलब एक नाम है, तो बार बार रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अभी मैं स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे मैं कलर चेंज करके कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर जो भी चाहिए ग्रीन, और उसका जैसे कि टेक्स्ट लाइन सेंटर, और भी ऐसे हम लोग ऐसे दे सकते थे। इसका हाइट भी बढ़ा सकता हूँ मैं। तो आईडी हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, वो हमें हेल्प करता है स्टाइलिंग में। बस वो एक ही एलिमेंट को करता है, बार बार वो रिपीट नहीं होता। क्लास रिपीट होता है लेकिन आईडी रिपीट नहीं होता। तो आईडी हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लास मतलब एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट और आईडी मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट, तो इसीलिए वो बार बार रिपीट नहीं हो सकता। तो ऐसे हम लोग क्लास आईडी यूज कर सकते हैं HTML में। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को सबके साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।